हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट दी आर्मी अग्निवीर के बारे में। ठीक है, आर्मी की वैकेंसीज अभी ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर निकली हैं और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे बड़ा चेंज और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज तो ये है कि इस बार फिजिकल की जगह पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, और रिटन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मैटर ये करेगा कि किस बच्चे की तैयारी कैसी है। और तैयारी के साथ देखिए, डरने की बिल्कुल भी नहीं है। घर पे भी बैठ के आप आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, कोचिंग की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती है। लेकिन हाँ, जिन बच्चों का एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिन्हें ऐसा महसूस होता है कि बहुत अच्छा नहीं रहा है, खासकर मैथ्स वाला पार्ट जिन लोग का बहुत अच्छा नहीं रहा है, वो लोग कोचिंग की तरफ जा सकते हैं। और उन्हीं बच्चों के लिए जो हमने पहले, यानी जब कोटद्वार में आपकी आर्मी अग्निवीर की जो फर्स्ट वैकेंसी निकली थी, इसी बात को हमने ध्यान में रखकर उनके लिए मात्र 1 रुपए में बैच भी चलाया था। भाई, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली नहीं कर पाते हैं, पैसों के रूप से नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए हमने फ्री का बैच भी चलाया था। 1 रुपए हमने उसकी मात्र सांकेतिक फीस रखी थी। और सबसे बड़ी बात यह है, उसमें 100+ बच्चों का इनरोलमेंट हुआ था। और सबसे जो खुशहाली की बात है, खुशी देने वाली जो बात है, वो ये है कि उसमें 40+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके लिए हमने काफ़ी सारे बच्चों से आपको मिलवाया भी था YouTube के माध्यम से। और अब जो ये जो नई वैकेंसीज आई हैं, इसमें आपकी एज क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसमें वैकेंसीज के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कि कौन सा आपका डेट, किस डेट के बीच के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, इस कंप्लीट जानकारी को हम आपको यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दीजिए। पहला, अग्निवीर जो GD, आर्मी GD जो क्लर्क के लिए, और जो आपकी जो वैकेंसीज हैं, उन जो भी आई हैं अभी, उन सब के लिए जो बैच बनने जा रहा है वो 21 फरवरी से बनने जा रहा है। मॉर्निंग में इसका समय रखा गया 10 बजे, ताकि जो दूर से आने वाले बच्चे हैं वो भी उस बैच को अटेंड कर पाएँ। और लास्ट ईयर के 40+ सिलेक्शन हैं हमारे, ये तो आप सभी लोग को हमने कभी दाफे इन्फॉर्म किया भी है। अग्निवीर आर्मी GD की वैकेंसीज हैं। अब चलें इनके अलग अलग पहलुओं पर चलते हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि इसके लिए कौन सी फॉर्म जो निकले हुए हैं वो कब भर सकते हैं आप लोग, है ना। तो आप जानते हैं, जैसे कि फॉर्म की डेट आ चुकी है। फॉर्म जो डेट भरने की जो स्टार्ट हुई थी वो 16 तारीख से, 16 फरवरी 2023 से शुरू हुआ था, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 15 मार्च 2023। यानी कि आपके पास अभी सफिशियंट टाइम है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरते हुए आप सावधानी ये बरतिएगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि बाद में वेबसाइट चलती नहीं है, आपको सेंटर पता नहीं कहाँ फेंक दे, कहाँ दे दे एग्जाम का सेंटर। और एग्जाम के सेंटर में भी जो सीट की जो सिटिंग होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो इसलिए फॉर्म निकले हैं तो 2-3 दिनों के भीतर इसे भर दीजिए, और उसके बाद अपनी कोचिंग के लिए आप आ सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन से बच्चे एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं, जरा ध्यान दें। उसमें डेट ऑफ बर्थ का क्या क्राइटेरिया होगा, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, ध्यान से सुनना, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1-10-2022, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1-10-2002 से लेकर, 22 नहीं, 2 से लेकर 1-4-2006 के बीच में है, ध्यान से देख लेना। इसीलिए मैंने डेट ऑफ बर्थ यहां पर लिखी है। जिन भी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ इस डेट के बीच में आ रहा है वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब से लेकर, 1-10-2002 से लेकर 1-4-2006 के बीच में जिन भी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब वैकेंसीज कैसे कैसे निकली, जरा अगला पॉइंट ध्यान दें। आपके पास टाइम कितना है, यानी एग्जाम की डेट क्या है, तो एग्जाम की जो डेट आई है आपकी, वो आई है 17 अप्रैल। आयोग ने जो जो आपकी जो सेंटर ने जो डेट दी है एग्जाम की, वो 17 अप्रैल। और आज के दिन से ठीक आपके पास जो समय है वो समय कितना है, 2 महीने का समय है। 2 महीने के समय में आपने बहुत अच्छे बच्चों से कॉम्पिटिशन फाइट करना है, ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी तक क्या होता, जिन बच्चों का फिजिकल बहुत अच्छा होता था, अमूमन था वो बच्चे रिटर्न में पहुंच जाते थे, मेरिट उतनी हाई नहीं जाती थी। लेकिन अब पेपर पहले हो रहा है, सारे बच्चे पेपर देंगे। अभी तक जो आर्मी भर्ती में रेस की वजह से नहीं जाते थे वो भी बच्चे पेपर देंगे, तो कॉम्पिटिशन क्या हो जाएगा, हाई। तो मेरिट जाने, हाई जाने की भी क्या है, संभावना है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। आपके पास टाइम कितना है, 2 महीने। ठीक है, अब जो भर्ती निकली है उसके लिए आप योग्यता देख लीजिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले जो ट्रेडमैन होता है, जो ट्रेडमैन होता है उसके लिए 8th पास और 10th पास पर वैकेंसी होती है। यानी जिन बच्चों के पास 8th पास है, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं गांव में जिनका 10th पास नहीं होता है, वो लोग भी 8th पास वाली वैकेंसी ट्रेडमैन में भर सकते हैं। दूसरा होता है आर्मी GD। आर्मी GD के पास आप ध्यान रखें, 10th पास होना चाहिए। पहली बात, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए 10th में,
45% होनी चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना परसेंट होना चाहिए, 33% होना चाहिए। ये ध्यान रखना, क्या समझे, टेंथ पास होना चाहिए, 45% होनी चाहिए आपके, 45% प्लस होनी चाहिए और 33% आपके हर सब्जेक्ट में होता है, ये तो होता ही है। जब 33% आया होगा ग्रेस से पास नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ग्रेस से पास हो रहा, मान लो आपके 32 नंबर थे और आपको ग्रेस मिला 2 नंबर का, आपका 34 हो गया, या 1 नंबर का ग्रेस मिला 33 और पास हो गए, तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% होने चाहिए, तभी आप उसमें पास हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है क्लर्क। क्लर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लर्क वाले फॉर्म भरने वाले बच्चे ध्यान सुनिए। इसमें आपका 12th पास होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपका 12th में 60% मार्क्स आना चाहिए। क्लर्क भरने वाले बच्चे ध्यान सुनना, 60% मार्क्स आने चाहिए। और दूसरा, इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये पॉइंट ध्यान में रख लेना। क्लर्क भरने के लिए वही बच्चे एलिजिबल हैं जिनका एक तो 12th में 60% है और कॉमर्स साइंस और आर्ट वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इंग्लिश में कितने मार्क्स होने चाहिए, 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए। ठीक हो गया। अगला जो है टेक्निकल वाले, टेक्निकल का फॉर्म वही बच्चे भर सकते हैं जिनकी 12th में साइंस बैकग्राउंड के हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए 12th में, 50% होनी चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपकी कितनी होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए। तो बच्चों आप बेफिक्र रहिए, ये सारी जानकारी आपको दे दी गई है, इसके बाद बैच की भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, और जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर दें और अपने बैच के लिए इनरोल करें। फीस की बिल्कुल टेंशन मत करना, हमने पहले भी फीस की टेंशन नहीं ली थी और इस बार भी हम फीस की टेंशन नहीं लेंगे। सुन रहे ना आप ना, जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो हमारे पास आ जाना, उसकी समस्या का समाधान हम कर देंगे। बिल्कुल बेफिक्र होके आना, बिंदास होके आना, आप सभी लोगों के साथ हम हैं, पूरा देश आपके साथ है। जय हिंद।